हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ईसीएलई लर्निंग इंस्टीट्यूट। ईसीएलई मींस एवरीबॉडी कैन लर्न इंग्लिश, यू कैन लर्न इंग्लिश। वेलकम टू द ईसीएलई। और आज की वीडियो हम सीखेंगे इज, एम, आर, वाज एंड वर के साथ टू का यूज करना। तो दो प्रकार से हम इसको यूज करना सीखेंगे, एक्टिव में भी सीखेंगे और पैसे में भी सीखेंगे किस प्रकार से हम यूज करेंगे। तो आइए फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ घंटी वाला बटन दबा ले ताकि जो लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। तो देखते हैं इज, एम और वाज वर कैसे यूज करें इनको। और मेरा फेस कट सकता है तो माइंड मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज करने सीखें एक्टिव में, ठीक है। तो हम एक्टिव में और पैसिव में, ठीक है। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं इनके साथ रहे तो इसको हिंदी का अर्थ क्या निकलता है। तो ध्यान रखना ये हमारे ना है और नी है, ठीक। किसके साथ? अगर क्रिया है, अगर एक्शन वर्ब क्रिया है उसका ना और नी आ जाए उसके साथ होगा। वॉज वर्ब भी यहाँ पर तो ना था और नी थी, ना था और नी थी, ना था और नी थी, ना था और नी थी। तो ना है, नी है, ना था, नी थी, ठीक है। क्रिया अगर एक्शन आ जाए तो इसका हिंदी में मतलब आराम से समझ लेना, ठीक है। तो देखो जैसे मैं बोलूँ, सबसे पहले यूज करना इज टू का। तो जैसे उससे उसे पढ़ना है, उसे पढ़ना है, ठीक है। तो उसे पढ़ना है, ना है, नी है, तो हम क्या बना देंगे? ही इज टू स्टडी, ठीक है। उसे पढ़ना है तो कैसे यूज होगा? ना है, नी है, ना है और नी, उसे पढ़ना है, उसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। उसे पढ़ना है, ना है, नी है। एक और अगर हम चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, इसमें हैज टू या हैव टू का यूज करके भी इन सेंटेंस को हम बना सकते हैं। ट्रांसलेशन में हैज टू एंड हैव टू का यूज भी हम कर सकते हैं इनमें, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो एम का यूज क्या करें, जैसे कि मुझे मुझे अंग्रेजी बोलनी है, ठीक है, मुझे अंग्रेजी बोलनी है, कैसे बनाएंगे? आई एम to speak English, ठीक है। I am to speak English, I am to speak English, मतलब मुझे English बोलनी है, ठीक है। ध्यान रखना इसके जो सिक्स फॉर्म बनाते थे हम प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स के माध्यम से, ठीक है। और एक और बनाते हैं आर का, ठीक है। तो तुम्हें घर जाना है, ठीक है। तो नानी नहीं आ रहा ना, नानी नहीं आ रहा, तुम्हें घर जाना, आपको कहाँ जाना? घर जाना है, ठीक है। तो यू आर टू, ठीक है, यू आर टू गो होम, ठीक है। तो एक एक्टिव सेंस में बनाकर देखा ना कि आपको घर जाना, यू आर टू गो होम, आपको घर जाना, कहाँ जाना? घर जाना, यू आर टू गो होम, ठीक है। याद रखना इसका नेगेटिव भी बन सकता है, इंटरोगेटिव भी बन सकता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बन सकता है और क्वेश्चन वर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर से आप इसको फॉलो कर लोगे मुझे मालूम है, ठीक है। और अगर समझ आ तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं इसकी एक अच्छी डिस्क्रिप्शन में वीडियो में बना सकता हूँ इसके लिए, ठीक है। तो ये हमने यूज़ किया किसमें? एक्टिव में यूज़ किया, ये हमने एक्टिव में बनाना सीखा, ठीक है। अब इसका हम पैसिव भी बनाएंगे, इनका इनका पैसिव तो नहीं बनाना, ठीक है, इनकी, ठीक है। अब इनका पैसिव भी बना सकते हैं, इस टू आर टू का हम पैसिव में कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ एक चीज़ जुड़ जाएगी, उससे पहले यदि इसको हम पहले रफ कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो एक चीज़ और ऐड हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको रफ करते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। तो ऐड करने के लिए हमें पैसिव में बनाने के लिए इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, मूव कर रहा हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी इसके साथ में, क्या? प्लस वी के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, प्लस वी के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, ये यूज़ करना पड़ेगा। इसको साइड में लिख देते हैं हम, ठीक है, क्या? वी के साथ थर्ड फॉर्म और यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो आपको पता होगा पैसिव में बनाने के लिए हमें किस पर फोकस करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, सब्जेक्ट बाद में आता है, ऑब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ता है और सब्जेक्ट तो रहता भी नहीं किसी किसी सेंटेंस में, ठीक है। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं, क्या? काम काम किया जाना है, काम किया जाना है, ठीक है। तो
काम किया जाना है, काम को क्या किया जाना है, ऐसा किया जाना है, ठीक है। तो क्या है काम, मतलब होता है वर्क, ठीक है, इज टू बी, मैंने बोला था बी लगाना। अब थर्ड फॉर्म जाना, काम किया जाना है, ठीक है, करना मतलब होता है डू, करना क्या होता है डू, और थर्ड फॉर्म क्या होता है डन, ठीक है। अब ये वाला जाना नहीं कि गो वाला जाना, नो, ठीक है, काम किया जैसा हो किया जाना है, ठीक है। तो वर्क इज टू बी डन, वर्क इज टू बी डन, काम को क्या किया जाना है, हमें काम को ऐसा किया जाना है, ऐसा होना है, ठीक है, काम को किया जाना है, ठीक है। और बना लेते हैं, जैसे कि और बना लेते हैं, ठीक है, मुझे मुझे पढ़ाया जाना है, ठीक है, मुझे क्या पढ़ाया जाना, मुझे, ठीक है, ऑब्जेक्ट है मुझे, मैं क्या हूँ, मुझे कोई पढ़ा रहा है, ठीक है। तो क्या है, I am to be taught, क्या मुझे पढ़ाया जाना है, आइए समझ, ठीक है, बिल्कुल आ गया होगा। अब देखो आर का यूज़ करते हैं, वर्स वर्क हम बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं क्या किताबें बांटी जानी है, ठीक है, किताबें बांटी जानी, तो क्या है बुक्स क्या आएगा, वर टू बी, अब बांटना मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, ठीक है, तो क्या डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, बुक्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड जानी है, सॉरी वर नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर वर्स आ जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आर आएगा, ठीक है। तो बुक्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बुक्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट, किताबों क्या करना है बांटी जानी है, ठीक है। तो हमने इस एम आर का देख लिया, अपने देखो वर्स वर का देखते हैं, ठीक है, इसको हम साथ में देख लेते हैं, वर्स वर का भी हम देख लेते हैं कैसे यूज़ करना है, ठीक है, इसको भी हम रब करते हैं, ठीक है, यू कैन टेक स्क्रीन शॉट दिस, ठीक है, बीच में लेना चाहो तो। चलो अब इसको देखते हैं वर्स वर का, तो ये भी सेम है, एक्टिव में बनाते हैं, पैसे में दोनों में बनाते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं क्या, कुछ कोई भी सेंटेंस लेते हैं, जैसे घर घर खरीदा जाना था, घर खरीदा जाना था, क्या है घर खरीदा जाना था, पैसे में बनाता है पहले, ठीक है, घर को क्या खरीदा जाना था, क्या घर खरीदा जाना, तो क्या आएगा हाउस, हाउस खरीद रहे हैं, ठीक है। वॉज टू बी, अब खरीदना मतलब क्या होता है परचेज होता है, क्या परचेज्ड या बॉट भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। हाउस वॉज टू बी परचेस्ड, जिसमें बना है पैसिव में, ठीक है, पैसिव चल रहा है, एक्टिव हम लास्ट में बना लेते हैं, ठीक है, ये पैसिव में। तो घर खरीदे जाते हाउस वर टू बी वॉज टू बी सॉरी परचेस्ड, घर को क्या खरीदा जाना था, घर को हम क्या खरीद रहे थे, ठीक है। एक और सेंटेंस लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तुम्हें उत्तर दिया जाना था, ठीक है, तुम्हें उत्तर दिया जाना, तुम्हें, ठीक है, तो यू वर टू बी, अब उत्तर देना मतलब आंसर, ठीक है, आंसर का थर्ड फॉर्म आंसर्ड, यू वर टू बी आंसर्ड, ठीक है, आपको क्या उत्तर दिया जाना था, पैसे बन गए ना दो, ठीक है, इसका सिक्स बन सकता है। अब चलो इसका एक्टिव भी देख लेते हैं लास्ट का, ठीक है, और जाना नहीं क्लास से, ठीक है, पूरी क्लास को देखना है, ठीक है। अब देखो पास्ट में क्या बनाया था, जैसे हमने पिछली एक्टिव में देखा था, ठीक है, एग्जाम आर टू में, ठीक है, उसे क्या उसे पढ़ाई करनी थी, ठीक है, तो करनी है, तो हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं पैसे में, इसी को बोलते हैं एक्टिव में, ठीक है, तो बोल सकते हैं मोहन को मोहन को किताबें पढ़नी थी, तो क्या होगा मोहन वॉज टू रीड बुक्स, मोहन को क्या किताबें क्या पढ़नी थी, ठीक है, इसको क्या किताबें पढ़नी थी। एक और बना लेते हैं,
ठीक है, हमें हमें जागरूक होना था, हमें जागरूक होना था, ठीक है, हमें क्या जागरूक होना था। नहीं, ये नहीं बन सकता है, इसको सॉरी, ये हम इसको बना, ये बना सकते हैं क्या, हमें हमें घर बनाना था, हमें घर बनाना था, क्या हमें घर बनाना था, क्या कहा, वी वर टू का घर बनाना मतलब बिल्ड होता है, ठीक है, वी वर टू बिल्ड हाउस, हमें घर बनाना था, ठीक है। तो हम ऐसे हम इसको बना सकते हैं दोनों दो टाइप से, ठीक है, हम एक्टिव में भी सीखा, पैसिव में भी सीखा इसको बनाना, और आई होप ये क्लास समझ में आई हो। थोड़ी सी बस इसमें ये हो गया कि मैंने इसका इसका पैसिव पहले बना दिया, एक्टिव बाद में बना दिया, बट आप इसको समझ जाओगे। और अगर समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आप उसको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सबसे पहले इसको अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।